बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करती हूँ क्लास 9th की। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है, तो वो मैं आपको बुक से ही बताती हूँ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँ तो स्क्वायर रूट 3 जो है वो 2 टाइम आ रहा, तो इसका मैं स्क्वायर लिख लूँगी। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो आंसर ना आंसर ये -3, बट वो कह रहे पॉजिटिव 3 है, सो दिस इज फॉल्स। ओके, सेकंड वाला सेकंड स्टेटमेंट आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब देखिए 73 पावर जो है इसको मैं लिख सकती हूँ, इवन बनाना है तो मैं इसको लिखूँगी आयोटा 72 इंटू आयोटा। ठीक है, अब जो आयोटा 72 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 36। अब देखिए आयोटा स्केयर होता है -1 के इक्वल, तो -1 की पावर आ गई 36। जब माइनस की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये +1 इंटू आयोटा, तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव आयोटा, बट वो कह रहे हैं नेगेटिव, सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट है आयोटा 10 इज इक्वल टू -1। ओके, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आयोटा स्केयर होता है -1 के इक्वल, माइनस की पावर क्या है 5 है, और 5 क्या होता है ओड नंबर, जब माइनस की पावर ओड होती है तो वो माइनस ही रहता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा -1, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर इज। सबसे पहले तो अगर आप लोग नोट करें -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर, ठीक है, तो यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू मैं पुट करती हूँ -6 आयोटा -1। अब पहले मैं रियल पार्ट लिख रही हूँ -1 और फिर कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट -6 आयोटा। ये आपके पास है जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो देखिए कॉन्जुगेट लेके क्या आएगा आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज, तो ये हो जाएगा -1 + 6 आयोटा, सो दिस इज ट्रू। अब नेक्स्ट कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। देखिए आपको उन्होंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जेड विच इज़ a + b आयोटा, और फिर कहा है उसके कॉन्जुगेट से आपने डिफरेंस लेना है। मैं इसका कॉन्जुगेट लिखती हूँ, वो हो जाएगा a - b आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना, तो z - z कॉन्जुगेट, पहले मैंने z की वैल्यू लिखी a + b आयोटा, फिर नेगेटिव साइन, और अब जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू a - b आयोटा। देखिए a + b आयोटा, नेगेटिव साइन है बाहर, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया b + b 2b आयोटा। तो वो कहते हैं कॉन्जुगेट और उसका जो मतलब कि नंबर है एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस है वो रियल नंबर है, बट दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास है a - 1 - b, यहाँ पे मैं लिखती हूँ a - 1, नेगेटिव साइन b + 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। आपको कहा गया है अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है, तो आपके पास a क्या होगा 6 होगा और b आपके पास होगा -11। अभी हम चेक कर लेते हैं, रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं, a - 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो -1 राइट पे आएगा, +1 हो गया, सो a तो हमारे पास आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, इमेजनरी पार्ट में ये नेगेटिव साइन भी आएगा, -b + 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे रियल पार्ट्स को कंपेयर की, ये मैंने इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर किया, ठीक है, -b + 3 इज इक्वल टू -8, सॉरी ये आ गया -b - 3 इज इक्वल टू 8। -3 को हम लेते हैं राइट साइड पे, ये आ गया आपके पास 8 + 3, सो -b इज इक्वल टू 11, तो ये आ गया b इज इक्वल टू -11, तो a और b आपके पास सेम आ गया, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। लास्ट वाला आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखें अगर मैं यही ऊपर वाला ले लूँ z * z कॉन्जुगेट, z आपके पास है a + b आयोटा और z कॉन्जुगेट है a - b आयोटा, ये बन गया a + b * a - b का फॉर्मूला, सो a² - b² सो ये आ गया a² - b² आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर स्टूडेंट्स आपके पास होता है -1 के इक्वल, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ a² - b² - 1, ये आ गया -, सो a² + b² ये आपका आंसर आ गया,
तो अब अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है. ओके, सो लास्ट वाला जो आपकी लास्ट वाली स्टेटमेंट, ये भी आपके पास है ट्रू. अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर टू करती हूँ स्टूडेंट्स. तो क्वेश्चन नंबर टू में आपको कहा गया है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने उनको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, और ए और बी आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे. ठीक है, अब मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट. तो देखिए, पहला पार्ट है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा. सबसे पहली बात है, मैं इसको एज इट इज़ लिखूंगी ब्रैकेट्स के साथ. अब ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा. अब जो जिनके साथ आयोटा नहीं है स्टूडेंट्स, पहले मैं उनको लिखती हूँ 2 प्लस 7. अब मैं आयोटा वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेती हूँ, तो 2 प्लस 7 9 हो गया, प्लस 3 माइनस 2 ये आ गया प्लस आयोटा. दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. अब नेक्स्ट पार्ट नंबर टू है स्टूडेंट्स, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको बताती हूँ. पहले लिखते हैं इसको एज इट इज. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, पहली टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 फाइव ज़ार 10 प्लस 2 फोर ज़ार 8 आयोटा. ये नेगेटिव साइन है, अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज, 3 सेवन ज़ार 21 माइनस 21, 3 फोर ज़ार 12 आयोटा. ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन. अब सेम वही आपके पास एक्सप्रेशन बन गया पहले वाले पार्ट का. पहले आपने आयोटा के बगैर वाले टर्म्स को कंबाइन कर लेना है, फिर आपने जिनके साथ आयोटा उनको लिख लेना है. अब देखिए, 10 माइनस 21 दिस इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 8 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू माइनस 4, और साथ में क्या आएगा, आयोटा. दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर टू. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्टली तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूंगी, माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, नेगेटिव साइन 4 प्लस 9 आयोटा. अब देखिए, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन, तो अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएगी. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव साइन लिखना कोई कंपलसरी नहीं है. ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 5 आयोटा हो जाएगा. अब ये भी नेगेटिव साइन, अंदर साइन चेंज, माइनस 4 और माइनस 9 आयोटा. अब जिनके साथ स्टूडेंट्स आयोटा नहीं, उनको लिख ले 3 माइनस 4. अब जिनके साथ आयोटा है उनको लिख ले माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा. 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 14 आयोटा. दिस इज आंसर फॉर पार्ट नंबर 3. जो पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, की इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो इसको एज इट इज़ लिखें, 2 आयोटा स्केयर. और एक बात और स्टूडेंट, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो स्टार्टिंग में इक्वल का साइन लगाते हैं, बट अगर ऑलरेडी वो इक्वेशन हो तो उसमें ऑलरेडी इक्वल का साइन होता, तो उसके स्टार्ट में इक्वल का साइन नहीं लगाना होता. ठीक है, दीज आर ऑल एक्सप्रेशन, सो आई एम पुटिंग हेयर इक्वल साइन. ठीक है, 2 आयोटा स्केयर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25. अब जो पहला स्टेप आपने आयोटा को सॉल्व करने के लिए करना है, मैंने आपको 2.5 इक्वेशन एक्सरसाइज में भी बताया कि आपने आयोटा की पावर को बनाना है सबसे पहले इवन. ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर आयोटा की पावर 2 है, तो हो गया माइनस 1. यहाँ पे आयोटा क्यूब है, तो इसको पहले हम लोग बनाएंगे इवन. तो ये 6 आयोटा स्केयर इंटू आयोटा. ओके, अब ये ऑलरेडी क्या है आपके पास, इवन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा स्केयर इंटू 8, 8 टू ज़ार 16 माइनस 6, ये आयोटा की पावर है 19, इसको हम लोगों ने इवन बनाना, ये आ गया 18 इंटू आयोटा. ये भी ऑड है, इसको बनाना है इवन, 4 आयोटा 24 इंटू आयोटा. ओके, हो गया, ये आ गया माइनस 2. आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 6 माइनस 1 आयोटा. अब आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे अगेन पुट करना है, 3 माइनस 1 की पावर 8 माइनस 6. अब आयोटा की पावर है 18, 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9, सो ये लिखते हैं आयोटा स्केयर की पावर 9 आयोटा. और 24 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 12, सो आयोटा स्केयर और 12 आयोटा. अब ये आ गया माइनस 2 माइनस 6 आयोटा. माइनस की पावर स्टूडेंट्स आपके पास है इवन, जब माइनस की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 माइनस 6. आयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस 1 पावर 9 इंटू आयोटा प्लस 4 आयोटा स्केयर माइनस 1 पावर 12 इंटू आयोटा. अभी आ गया माइनस 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 माइनस की पावर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास है ओड, जब पावर ओड होती है तो हमारे पास आंसर माइनस ही आता है, तो ये आ गया माइनस 6 माइनस 1 आयोटा
प्लस फोर, माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा आयोटा। माइनस टू प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू प्लस वन, माइनस सिक्स आयोटा, माइनस माइनस प्लस सिक्स आयोटा, प्लस फोर आयोटा। ये माइनस सिक्स आयोटा, ये प्लस फोर आयोटा, दोनों कैंसिल, सो ओवर आंसर इज वन प्लस फोर आयोटा। और ये पार्ट नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आप लोगों ने इसको ध्यान से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर टू की तरह आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला आपके पास है माइनस सेवन प्लस थ्री आयोटा, ब्रैकेट साइन, ब्रैकेट्स का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब देखिए पहले आप ले लें माइनस सेवन और नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब आप ले लें प्लस थ्री आयोटा और अगेन इसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। माइनस माइनस प्लस, सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन, माइनस प्लस माइनस, सेवन टू ज़ार फोर्टीन आयोटा, प्लस माइनस माइनस, थ्री थ्री ज़ार नाइन आयोटा, प्लस प्लस प्लस, थ्री टू ज़ार सिक्स, और ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखिए ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन माइनस नाइन, तो ये आ गया माइनस ट्वेंटी थ्री आयोटा प्लस सिक्स, और आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है माइनस वन, ठीक है। ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी थ्री आयोटा माइनस सिक्स। अब ट्वेंटी वन माइनस सिक्स, दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन, माइनस ट्वेंटी थ्री आयोटा, दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर टू। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगी, टू नेगेटिव स्केयर रूट नेगेटिव फोर, थ्री नेगेटिव स्केयर रूट नेगेटिव फोर। अब नेगेटिव फोर को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू फोर का प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगले में भी यही करेंगे, माइनस वन इंटू फोर। अब माइनस वन के ऊपर स्केयर रूट को अलहदा कर देंगे, फोर के ऊपर अलहदा कर देंगे, ये आ गया टू माइनस स्केयर रूट माइनस वन स्केयर रूट फोर, थ्री माइनस स्केयर रूट माइनस वन स्केयर रूट फोर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया है, आयोटा स्केयर इक्वल होता है हमारे पास माइनस वन के, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लूँ, स्केयर कैंसिल हो जाएगा, सो आयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट माइनस वन। तो जो मैंने ये स्केयर रूट फॉर्म बनाई, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, आयोटा। ओके, ये आ गया टू माइनस, अब जो स्केयर रूट फोर है ये होता है टू के इक्वल, टू और आयोटा, और ये आ गया थ्री माइनस, इसकी जगह आ गया टू और ये आ गया आयोटा, क्लियर। अब ये आपके पास जो एक्सप्रेशन बनाई है सेम पार्ट नंबर वन की तरह। अब पार्ट नंबर वन में जिस तरह हमने सॉल्व किया गिवन एक्सप्रेशन को, सेम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पे टू लेंगे और ये अगले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, थ्री माइनस टू आयोटा, ठीक है। अब लेंगे माइनस टू आयोटा और अगेन इसी एक्सप्रेशन से इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, थ्री टू ज़ार सिक्स माइनस टू टू ज़ार फोर आयोटा, माइनस टू टू इंटू थ्री सिक्स आयोटा, माइनस माइनस प्लस, टू टू ज़ार फोर आयोटा स्केयर। सो ये आ गया सिक्स माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टेन आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस वन, तो ये आ गया सिक्स माइनस टेन आयोटा माइनस फोर, सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू माइनस टेन आयोटा, दिस इज योर आंसर। अब ये आपके पास स्टूडेंट बन रहा है ए माइनस बी का होल स्केयर। फर्स्टली मैं इसको एज इट इज लिखूंगी। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, सिंस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देंगे, देखें ए का स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्केयर। ए आपके पास है स्केयर रूट फाइव और थ्री आयोटा है आपका बी, तो यहाँ पे स्केयर रूट फाइव, स्केयर रूट ऑफ फाइव, थ्री आयोटा, अगेन थ्री आयोटा आ गया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये आ गया फाइव माइनस थ्री टू ज़ार सिक्स, स्केयर रूट फाइव एज इट इज़ और साथ में आयोटा, प्लस थ्री का स्केयर नाइन और साथ में आयोटा का भी स्केयर आएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइव माइनस सिक्स स्केयर रूट फाइव आयोटा माइनस नाइन, फाइव माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस सिक्स स्केयर रूट फाइव आयोटा, दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर फोर। फर्स्टली इसको एज इट इज लिखेंगे, टू माइनस थ्री आयोटा, थ्री माइनस टू आयोटा, और यहाँ पे अब बार
इस बार का मतलब स्टूडेंट है आपने इस वाले का कॉन्जुगेट लेना है, मतलब कि आयोटा वाले की टर्म का साइन चेंज करना है. 2 - 3 iota, 3 + 2 iota. अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, जिस तरह के पार्ट नंबर 1 और 2 में लिया था. पहले 2 ले लें, इसको इस नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें. अब ले लें -3 iota और इसको अगेन अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें. 6 + 4 iota, -9 iota, -6 iota स्क्वायर. +4 - 9 = -5 iota. यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 6 + 6 = 12, -5 iota. दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करती हूँ स्टार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4. इसका फर्स्ट पार्ट है -2 और 1 + iota. ठीक है, तो 2, 3 और 4 सिमिलर क्वेश्चंस हैं. आपने इनमें इनको a + b iota की फॉर्म में ही लिखना है. अब इसको a + b iota की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर में जो iota है उसको एलिमिनेट करना. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म जो भी है उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना. फर्स्टली इसको एज इट इज़ लिखते हैं, -2/1 iota. अब डिनोमिनेटर में 1 + iota, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो होगा 1 - iota. आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें. ठीक है, न्यूमिरेटर में आ गया -2 × 1 - iota. अब डिनोमिनेटर में देखें 1 + iota × 1 - iota आ गया. -2 × 1 - 2 - -+2 iota ओवर. अब देखें a + b × a - b, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ठीक है, -2 + 2 iota ओवर 1 - iota स्केयर होता है -1 के इक्वल. न्यूमिरेटर में आपके पास 2 कॉमन है, आप 2 को कॉमन ले लें. ठीक है, -1 + iota ओवर. अब देखें माइनस माइनस आ गया, +1 + 1 = 2. -1 + iota ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ओवर आंसर इज -1 + iota. तो ये हमने a + b iota की फॉर्म में लिखे. दिस इज़ ओवर a एंड हेयर b इज़ 1. ओके, पार्ट नंबर 1 हो गया. अब इसका सेकंड पार्ट मैं करती हूँ स्टार्ट. अब सेकंड पार्ट है 2 + 3 iota ओवर 4 - iota. फर्स्टली इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 2 + 3 iota ओवर 4 - iota. अब डिनोमिनेटर में है 4 - iota, तो आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना. तो देखिए 4 - iota का जो कॉन्जुगेट है वो होता है 4 + iota. मल्टीप्लाई किया और इससे हमने इसको डिवाइड भी कर दिया. ठीक है, अब न्यूमिरेटर में टर्म्स बन गए 2 - 3 iota × 4 + iota और डिनोमिनेटर में फॉर्म बन गई 4 - iota × 4 + iota. अब न्यूमिरेटर को सॉल्व करने के लिए देखें, आप पहले a को लें. ठीक है, और फिर इस सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें 4 + iota के साथ. नेक्स्ट आपने लेना है -3 iota को. अगर यहाँ प्लस साइन होता तो प्लस लेते, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, और इसको अगेन 4 + iota के साथ मल्टीप्लाई कर दें. अब डिनोमिनेटर में अगेन देखें a - b × a + b की फॉर्म बनेगी, सो a का स्केयर माइनस b का स्केयर. ये आ गया 2 × 4 = 8 + 2 iota - 12 iota - 3 iota स्केयर. देखें iota × iota स्केयर बन जाएगा, 4 का स्केयर 16 iota स्केयर - 1 8. अब +2 - 12, दिस इज इक्वल टू -10 iota, एंड iota स्केयर क्या होता है -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 8 - 10 - -+3 / 17, तो 8 + 3 आ गया 11, -10 iota / 17. अब इस 17 को 11 और 10 दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दिया, आ गया 11/17 -10/17 और साथ में iota. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a + b iota. अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं, 9 - 7 iota / 3 + iota. पहला स्टेप सबका सेम, 9 - 7 iota / 3 + iota. अब आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना. ठीक है, तो ये 3 + iota, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - iota / 3 - iota. 9 - 7 iota
इंटू थ्री माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा थ्री प्लस आयोटा इंटू थ्री माइनस आयोटा। अब देखिए आ गया पहले नाइन ले और थ्री माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। अब ले माइनस सेवन आयोटा और अगेन थ्री माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया। नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, नाइन इंटू माइनस आयोटा माइनस नाइन आयोटा। माइनस सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन आयोटा, माइनस माइनस प्लस सेवन आयोटा स्केयर और नाइन स्केयर माइनस आयोटा स्केयर होता है माइनस वन। यहाँ पे माइनस वन पुट कर देंगे, माइनस सॉरी प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन माइनस ट्वेंटी वन, दिस इज इक्वल टू माइनस थर्टी, और साथ में आयोटा आएगा। यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें माइनस वन, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस सेवन ओवर टेन। अब ट्वेंटी सेवन माइनस सेवन दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी, माइनस थर्टी आयोटा ओवर टेन। अब दोनों के डिनोमिनेटर में टेन को सेपरेट कर दे, ट्वेंटी बाई टेन माइनस थर्टी बाई टेन इंटू आयोटा। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, टेन वन ज़ार टेन, टेन टू ज़ार ट्वेंटी एंड टेन थ्री ज़ार थर्टी। सो आवर आंसर इज टू माइनस थ्री आयोटा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर फोर। तो सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट सेम है, टू माइनस सिक्स आयोटा ओवर थ्री प्लस आयोटा माइनस फोर प्लस आयोटा ओवर थ्री प्लस आयोटा। अब अगर आप नोट करें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है थ्री प्लस आयोटा, तो मैं एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, थ्री प्लस आयोटा आएगा। तो न्यूमिरेटर वाली दोनों टर्म्स को सिंपली ऐड कर ले, टू माइनस सिक्स आयोटा माइनस का साइन और ये फोर प्लस आयोटा को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। सो ये आ गया टू माइनस सिक्स आयोटा, माइनस साइन है, अंदर वाले दोनों साइन चेंज, माइनस फोर माइनस आयोटा और थ्री प्लस आयोटा। अब देखिए टू माइनस फोर दिस इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन आयोटा ओवर थ्री प्लस आयोटा। अब जिस तरह आपको पार्ट वन टू और थ्री में एक्सप्रेशन गिवन था सेम वही एक्सप्रेशन बन गया। अब आपने इसको रैशनलाइज कर लेना, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो इसका कॉन्जुगेट है थ्री माइनस आयोटा ओवर थ्री माइनस आयोटा, ओके हो गया। अब देखिए माइनस टू को, अब मैं यहाँ पे एक स्टेप नहीं करी, माइनस टू को थ्री माइनस आयोटा के साथ लिख दें, फिर माइनस सेवन आयोटा को थ्री माइनस आयोटा के साथ लिख दें। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा, सो a का स्केयर माइनस बी का स्केयर बन गया। यह आ गया माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस टू आयोटा, माइनस ट्वेंटी वन आयोटा माइनस माइनस प्लस सेवन आयोटा स्केयर ओवर नाइन माइनस, अब आयोटा स्केयर होता है माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट माइनस सिक्स प्लस टू माइनस ट्वेंटी वन दिस इज इक्वल टू माइनस नाइनटीन, और साथ में आयोटा आएगा। आयोटा स्केयर की यहाँ वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस वन, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ गया माइनस सिक्स माइनस नाइनटीन आयोटा और प्लस माइनस माइनस सेवन ओवर टेन। सो माइनस सिक्स माइनस सेवन दिस इज इक्वल टू माइनस थर्टीन, माइनस नाइनटीन आयोटा ओवर टेन। दोनों के डिनोमिनेटर में आयोटा टेन को सेपरेट कर दें, माइनस थर्टीन बाई टेन माइनस नाइनटीन बाई टेन और साथ में आयोटा। सो दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट नंबर फोर। अभी क्वेश्चन नंबर फोर के लास्ट टू पार्ट्स रहते हैं, अब मैं वो करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर फाइव है, वन प्लस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा का होल स्केयर। फर्स्टली इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब ओवरऑल स्केयर, तो ऊपर वाले टर्म के ऊपर हम लोग सेपरेट कर देते हैं स्केयर, और नीचे वाले टर्म का स्केयर सेपरेट कर देते हैं। अब ऊपर है a प्लस बी का स्केयर, नीचे है a माइनस बी का स्केयर। तो a प्लस बी का स्केयर होता है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a आपके पास है वन और b है आयोटा, तो यहाँ पे वन वन आयोटा एंड देन आयोटा। नीचे आपके पास आएगा a माइनस आयोटा का स्केयर, अगेन ये आपका a है ये b है, वन वन आयोटा एंड देन आयोटा। अब देखिए वन का स्केयर वन प्लस टू आयोटा और आयोटा का स्केयर आ जाएगा, वन माइनस टू आयोटा और आयोटा का स्केयर आ गया। अब आयोटा स्केयर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस वन,
ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, सो ये आ गया 2i/-2i. 2i/2i कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया -1. ये आपके पार्ट नंबर 5 का आंसर है. अब इसका लास्ट पार्ट नंबर 6 में करती हूँ स्टार्ट. अब पार्ट नंबर 6, 1/2+3i इंटू 1-i. अभी जिस तरह पार्ट नंबर आप लोगों ने किया था लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे दो टर्म्स का प्रोडक्ट, वैसे इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं डिनोमिनेटर में. पहले 2 को लेंगे और अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब प्लस 3i को लेके अगेन 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 -2i+3i ± -3i का स्क्वायर 1/2. -2+3 ये आ गया +1. -3 आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है. सो 1/2+iota±+3. सो दिस इज 1/5+iota. अब ये आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन बन गया. अब आपने इसको रैशनलाइज करना है. डिनोमिनेटर के जो आपके पास कॉन्जुगेट है इससे मल्टीप्लाई भी करें और आपने करना है इसको डिवाइड भी. तो 5-iota/5-iota. अब देखिए आ गया न्यूमिरेटर में 5-iota और नीचे देखिए 5a+b (a-b) की फॉर्म बन रही है. ये आ गया 5² - iota² 5-iota, 5² = 25i²-1. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये आ गया 5-iota/26. तो दोनों टर्म्स के नीचे आपने आयोटा को सेपरेट कर देना है. 5/26 - 1/26 iota. क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया. अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 करती हूँ स्टार्ट. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ. तो इसमें आपको जेड गिवन है, आपने उसके 4 सॉल्यूशंस लेने हैं. एक तो जेड बार लेना है, फिर उनको ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है. आपको पहले पार्ट में जेड गिवन है -iota. तो जेड यहाँ पर आपके पास है -iota. अब पहले पार्ट में कहा गया जेड कॉन्जुगेट फाइंड करें. तो जेड कॉन्जुगेट स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, इसका साइन नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो ये आ गया z conjugate = iota. अब आपने नेक्स्ट फाइंड करना z + z conjugate. सो z + z conjugate = पहले z की वैल्यू लिखती है, वो आपके पास है -iota. उसमें ऐड करना है आपने z conjugate की वैल्यू को, वो है iota. तो -iota + iota कैंसिल हो गए. सो z + z conjugate = 0. ओके. अब तीसरा पार्ट है z - z conjugate. z की वैल्यू है iota, नेगेटिव साइन, z कॉन्जुगेट है पॉजिटिव iota. ओके. तो यहाँ पे आ गया negative iota. तो ये आ जाएगा -2i. सो z - z conjugate = -2i. अब थर्ड पार्ट में हमें चाहिए z और z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, z - z conjugate. z की वैल्यू आपके पास है -iota और z कॉन्जुगेट है iota. तो ये आ गया -iota². अब iota square स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होता है -1 के. नेगेटिव साइन एज इट इज़, iota square की जगह माइनस, माइनस माइनस प्लस. सो z - z conjugate = आ गया +1 के. फर्स्ट वाला पार्ट हो गया. अब इसका सेकेंड वाला पार्ट हम करते हैं स्टार्ट. अब यहाँ पर आपको z गिवन है स्टूडेंट्स 2+iota. पहला स्टेप है z कॉन्जुगेट लेना. सो z conjugate = 2-iota, ठीक है. iota का साइन, iota वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे. अब सेकेंडली हमने फाइंड करना है z + z conjugate. सो z + z conjugate की वैल्यू लिखेंगे. z आपके पास है 2+iota, उसमें प्लस कर दे z कॉन्जुगेट की वैल्यू 2-iota. प्लस iota माइनस iota कैंसिल. सो z + z conjugate = 2+2 = 4. नेक्स्ट है z - z conjugate. z = 2+iota, नेगेटिव साइन, और z conjugate = 2-iota. अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है. 2+iota, ये आ गया -2 और ये माइनस माइनस प्लस iota. +2 - -2 कैंसिल. +iota + iota ये आ जाएगा 2-iota. सो z - z conjugate = 2-iota.
उसके बाद आपके पास थर्ड वाला पार्ट है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो जेड की वैल्यू 2 प्लस आयोटा और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, 2 की पावर 2 4 आयोटा स्केयर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, अब इसका सेकेंड पार्ट में करती हूँ स्टार्ट। अब थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा है, ठीक है, तो आपने इस आयोटा को सबसे पहले एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर की टर्म से के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो पहला स्टेप जो वो आपने लिखना है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब सेकेंड स्टेप में आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। ओके, न्यूमिनेटर में बन गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्केयर। डिनोमिनेटर में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, 1 1 आयोटा एंड आयोटा। डिनोमिनेटर में देखें 1 माइनस आयोटा स्केयर होता है माइनस 1, 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्केयर क्या होता है माइनस 1 के इक्वल। डिनोमिनेटर में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो ये z इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, सो z आपके पास आ गया आयोटा। अभी तक आपने सिर्फ z को सिंप्लीफाई किया, अभी आपने ये चारों पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं z कॉन्जुगेट, ठीक है, तो ये आ गया z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू पॉजिटिव आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अब सेकेंड स्टेप है z प्लस z कॉन्जुगेट, तो ये आ गया z प्लस z कॉन्जुगेट, z आपके पास है प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट है माइनस आयोटा, प्लस माइनस कैंसिल, सो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट z माइनस z कॉन्जुगेट, आयोटा माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा। उसके बाद थर्ड आपके पास है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इज इक्वल टू आयोटा एंड जेड कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, ये आ गया माइनस आयोटा स्केयर। अब जो आयोटा स्केयर है स्टूडेंट्स वो आपके पास होता है माइनस वन के इक्वल, तो यहाँ पे माइनस वन पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1। अब अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी स्टेप्स किए वो आपके पार्ट नंबर 1 से सिमिलर थे। ओके, यहाँ पे z था आपके पास नेगेटिव, यहाँ पे बट z आपके पास क्या पॉजिटिव है। अब इसका लास्ट पार्ट नंबर 4 मैं करती हूँ। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, तो इसमें भी स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इसको रैशनलाइज करना, सो हेयर z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में जो आपके पास z है इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे हम लोग वो आएगा 2 प्लस माइनस 4 आयोटा, तो 2 माइनस 4 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और आपने डिवाइड भी करना है। अब सबसे पहले आपने इस 4 लेना है और इसको 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आपने माइनस 3 आयोटा को लेके 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया ए स्केयर माइनस बी क्या 4 आयोटा का स्केयर, 4 टू ज़ार 8 माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा माइनस 3 टू ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा स्केयर और 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर 16 और साथ में आयोटा का स्केयर आएगा 8 माइनस 16 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू माइनस 22 आयोटा। आयोटा स्केयर होता है माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 लिख देते हैं साथ, आयोटा स्केयर माइनस 1, ये आ गया माइनस 12 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 16, 8 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 22 आयोटा ओवर 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। अब ये 20 को दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट कर देंगे, सो स्टूडेंट्स ये आ गया z इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 20 माइनस 22 ओवर 20 आयोटा, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20।
टू वंस आर टू और टू टेंस आर 20. सो जेड आ गया माइनस वन बाय फाइव माइनस इलेवन ओवर टेन आयोटा. ये अभी हमने जेड को सिंप्लीफाई किया, उसको रैशनलाइज किया. अब हमने पहले जेड कॉन्जुगेट लेना, ठीक है. तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय फाइव आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज, तो ये क्या था माइनस, ये हो जाएगा प्लस इलेवन बाय टेन आयोटा. अब सेकेंडली आपने करना है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट. तो जेड आपके पास है माइनस वन बाय फाइव माइनस इलेवन बाय टेन आयोटा, माइनस वन बाय फाइव प्लस इलेवन बाय टेन आयोटा. अब ये देखिए, ये माइनस इलेवन बाय टेन आयोटा, ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा. सो रिमेनिंग टर्म्स माइनस वन बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव, इनका एलसीएम लेंगे तो फाइव आ गया. माइनस वन माइनस वन, न्यूमिरेटर दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट आ गया माइनस टू बाय फाइव. अब थर्ड स्टेप में हमने जेड माइनस सेट कॉन्जुगेट फाइंड करना है. जेड माइनस सेट कॉन्जुगेट, जेड है माइनस वन बाय फाइव माइनस इलेवन बाय टेन आयोटा. नेक्स्ट आपने नेगेटिव साइन लेना है. अब जेड कॉन्जुगेट की ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस वन बाय फाइव प्लस इलेवन बाय टेन आयोटा, माइनस वन बाय फाइव माइनस इलेवन बाय टेन आयोटा, माइनस माइनस प्लस वन बाय फाइव माइनस प्लस माइनस इलेवन बाय टेन आयोटा. अब देखिए, माइनस वन बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स इलेवन बाय टेन. एलसीएम आ गया आपके पास टेन, माइनस इलेवन आयोटा माइनस इलेवन आयोटा, ठीक है. क्योंकि आपके पास एलसीएम डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमिरेटर वाली टर्म्स को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं. माइनस ट्वेंटी टू बाय टेन आयोटा, टू वन ज़ार टू, टू वन ज़ार टू, टू फाइव ज़ार टेन. तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट आ गया माइनस इलेवन बाय फाइव आयोटा. अब इसका फोर पार्ट रहता है, वो है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट. पहले जेड की वैल्यू लिखते हैं, माइनस वन बाय फाइव माइनस इलेवन बाय टेन आयोटा इंटू माइनस वन बाय फाइव प्लस इलेवन बाय टेन आयोटा. अब देखिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है. सो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यहाँ पे बी आपके पास है इलेवन बाई टेन आयोटा, तो ये आ गया वन बाई ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी वन आयोटा स्केयर ओवर हंड्रेड. अब आयोटा स्केयर था माइनस वन, तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा. अब ट्वेंटी फाइव और हंड्रेड का एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास आ जाएगा हंड्रेड. तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया फोर प्लस वन ट्वेंटी वन, सो दिस इज़ वन ट्वेंटी फाइव ओवर हंड्रेड. ट्वेंटी फाइव फोर ज़ार हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव. सो जेड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू फाइव बाई फोर. क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा कंप्लीट हो गया. अब मैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स करती हूँ स्टार्ट. अब नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सिक्स के टोटल सिक्स पार्ट्स हैं. इसमें आपको जेड और डब्ल्यू गिवन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आपको इसमें कहा गया कि आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, ठीक है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू और इसका होल कॉन्जुगेट है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने जेड को और डब्ल्यू को ऐड करना, उसके बाद उनका कॉन्जुगेट लेना. सो फर्स्टली जेड प्लस डब्ल्यू, जेड आपके पास है टू प्लस थ्री आयोटा और डब्ल्यू है फाइव माइनस फोर आयोटा. तो देखिए, टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन प्लस थ्री माइनस फोर माइनस आयोटा. ये आ गया जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है. अब आपने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना. सो जेड प्लस डब्ल्यू का जो कॉन्जुगेट है वो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा. सो दिस इज सेवन माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, सो सेवन प्लस आयोटा. इसको मैं कह देती हूँ वन, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है. अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड है जेड कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट. अब आपने राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले जेड का कॉन्जुगेट लेना. तो जेड है टू प्लस थ्री आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के लिए बाहर, तो ये आ गया टू माइनस थ्री आयोटा. उसके बाद आपने लेना डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, फाइव माइनस फोर आयोटा बार, ये आ गया फाइव प्लस फोर आयोटा. अब सिंपली इन दोनों को ऐड कर लें, जेड बार प्लस डब्ल्यू बार, टू माइनस थ्री आयोटा प्लस फाइव प्लस फोर आयोटा. सो ये आ गया टू प्लस फाइव सेवन प्लस आयोटा, इसको कह लें टू.
अब अगर आप नोट करें वन और टू दोनों का आंसर सेम है, सो लिखिए फ्रॉम वन एंड टू एंड टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी ऐसे ही. अब मैं इसका सेकंड वाला पार्ट करती हूँ. अब सेकंड वाले पार्ट में हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और कॉन्जुगेट वैसे ही लेंगे. सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं z माइनस w कॉन्जुगेट. तो z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा नेगेटिव साइन, और w की वैल्यू लिखते हैं 5 माइनस 4 आयोटा, और ओवरऑल बार लगा दें, ठीक है. ये आ गया 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और बार एज इट इज़, क्योंकि अभी हम लोग इनको ऐड करेंगे. 2 माइनस 5 माइनस 3 3 प्लस 4 प्लस 7 आयोटा बार. सो z माइनस w बार कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस 3. ये क्या हो जाएगा? प्लस. ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. इसको कह दें 1. अब आप करें z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट को. तो z क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट नेगेटिव साइन. 5 माइनस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट. अब देखिए ये कॉन्जुगेट लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा नेगेटिव साइन, ब्रैकेट लगाएं. ये 5 माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस. अब ब्रैकेट ओपन कर लें, 2 माइनस 3 आयोटा, ये माइनस 5 हो गया और ये माइनस 4 आयोटा. 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 आयोटा. ये आ गया z बार माइनस w बार, इसको कह रहे 2, ठीक है. सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का आंसर सेम है. 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं. अब थर्ड वाले पार्ट में स्टूडेंट्स हमने सेम वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है, इसमें प्रोडक्ट लेना. तो पहले जेड डब्ल्यू बार लिख देते हैं. अब जेड आपके पास है स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है. डब्ल्यू है 5 माइनस 4 आयोटा, ओवरऑल बार लगा देते हैं. अब पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 2 लेके 5 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं. अब लेंगे प्लस 3 आयोटा और इसको अगेन 5 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका क्या है? कॉन्जुगेट है. अब देखें ये हो गया 5 टू ज़ा 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 4 थ्री ज़ा 12 आयोटा स्केयर, और यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेट है. 10 माइनस 8 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू प्लस 7 आयोटा माइनस दी आयोटा स्केयर था माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 12. 10 प्लस 12 ये आ गया 22 प्लस 7 आयोटा, और ये बार एज इट इज़. अब बार को रिमूव करने के लिए कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये आ गया माइनस यहाँ पे 22 माइनस 7 आयोटा, इसको कह दें 1. अब आपने पहले z कॉन्जुगेट लेना है फिर w कॉन्जुगेट लेना. तो z बार w बार इज इक्वल टू z है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा बार, ठीक है. उसके बाद है 5 माइनस 4 आयोटा, और ये भी बार. इनका कॉन्जुगेट ले लीजिए, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो गया. अब इनका सिंपल प्रोडक्ट ले लें, 2 लेके 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस 3 आयोटा लेके 5 प्लस 4 आयोटा से अगेन मल्टीप्लाई. 2 फाइव ज़ार 10 2 फोर ज़ार 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्केयर. अब ये देखिए 10 प्लस 8 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू माइनस 7 आयोटा. आयोटा स्केयर होता है माइनस 1, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये प्लस हो जाएगा. 10 प्लस 12 22 माइनस 7 आयोटा. दिस इज z बार इंटू w बार, इसको कह रहे 2. अब अगर आप नोट करें 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है. सो फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स. इसमें आपने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, रैशनलाइज करना पड़ेगा इसमें. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स z ओवर w और इसका कॉन्जुगेट लेना, ठीक है. तो z लिखते हैं सबसे पहले. z आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा और w आपके पास है 5 माइनस 4 आयोटा, और इसका बार लेंगे. तो बार लेने से पहले स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है.
सो रैशनलाइज कर लेते हैं, 2 + 3 iota ओवर 5 - 4 iota मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 iota ओवर 5 + 4 iota। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ये आ गया 2 × 5 + 4 iota + 3 iota इंटू 5 + 4 iota ओवर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर 10 + 8 iota + 15 iota 12 iota स्केयर ओवर 25 - 16 iota स्केयर। ठीक है, ये आ गया 10 8 + 15 दिस इज इक्वल टू 23 iota और आयोटा स्केयर माइनस होता सो माइनस 12 ओवर 25 माइनस है तो यहाँ पे आयोटा स्केयर माइनस होना था तो ये क्या हो जाएगा प्लस 16। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप पहले आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर ले माइनस 1 फिर उसके बाद आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, अब 10 - 12 दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 23 iota ओवर, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स 41 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के नीचे और 23 दोनों के नीचे सेपरेट कर दें, -2/41 प्लस 23/41 iota। ये अभी तक जो हमने फाइंड की है z/w, अभी हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो z/w का जो कॉन्जुगेट है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, आयोटा का साइन यहाँ पे प्लस तो ये आ जाएगा -2/41 -23/41 iota, इसको कह दे 1। अब आपने क्या करना है, पहले z कॉन्जुगेट लेना है फिर w कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेपरेटली फिर उनको रैशनलाइज करना। सो ये आ गया z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट, z है 2 + 3 iota इसका कॉन्जुगेट ओवर w आपके पास है 5 - 4 iota इसका भी कॉन्जुगेट, तो ये आ गया 2 - 3 iota डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 + 4 iota। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे 2 - 3 iota ओवर 5 + 4 iota, डिनोमिनेटर वाली टर्म का हमने लेना है कॉन्जुगेट वो आ जाएगा 5 - 4 iota, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, अब अगेन 2 लेंगे और 5 - 4 iota से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद है -3 iota और इसको 5 - 4 iota से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर से 10 - 4 = 8 iota -15 iota -4 = 12 iota स्केयर ओवर 5 का स्केयर 25 - 16 iota स्केयर। ओके, अब देखिए 10 - 8 - 15 दिस इज इक्वल टू -23 और आयोटा, आयोटा स्केयर -1 तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, आयोटा स्केयर -1 तो ये क्या हो जाएगा प्लस 16 हो गया। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ गया जेड कॉन्जुगेट ओवर डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 10 - 12 दिस इज इक्वल टू -2 -23 iota ओवर 41, इन दोनों को ऐड करके 41 आ गया। अब 41 को दोनों के नीचे सेपरेट कर दे -2/41 -23/41 आयोटा, इसको कह दें 2। अब अगर आप नोट करें 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है, सो फ्रॉम 1 and 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। अब 5 और 6 पार्ट सिमिलर है, ठीक है, पहले में हमने बताना कि इसका रियल पार्ट आएगा और दूसरे में हमने शो करना कि इमेजिनरी पार्ट आएगा सॉल्व करके। सबसे पहले हम जेड लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो जेड है 2 + 3 iota के इक्वल जो हमें गिवन है। अब देखें आपके पास यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट भी चाहिए, यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट भी ले लें तो ये आ जाएगा 2 - 3 iota। अब सिंपली आपने इसको लिखना है एक्सप्रेशन को 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, जेड आपके पास है 2 + 3 iota प्लस इसमें ऐड कर दें जेड कॉन्जुगेट को 2 - 3 iota। ओके, ये प्लस 3 iota ये -3 iota दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 2 + 2 क्या आ गया आपके पास 4 हो जाएगा, 4/2 कैंसिल हो गया, सो आंसर क्या आ गया 2। आपसे कहा गया था जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास z का रियल पार्ट आएगा, अब जो आपको z गिवन है आप उसमें देखें आपका रियल पार्ट क्या है 2 है, तो आपका आंसर 2 ही आ रहा है। सो आपने कहना है यस
वन बाय टू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज रियल पार्ट ऑफ जी. अब देखिए सिक्स वाला पार्ट. सबसे पहले जेड लिखेंगे, टू प्लस थ्री आयोटा, फिर लिखेंगे जेड कॉन्जुगेट, टू माइनस थ्री आयोटा. ओके, अब ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, वन ओवर टू आयोटा इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट. सबसे पहले जेड की वैल्यू लिखते हैं, जेड है आपके पास टू प्लस थ्री आयोटा. उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव साइन. अब जेड कॉन्जुगेट लिखें, वो क्या है, टू माइनस थ्री आयोटा. अब ब्रैकेट के बाहर है नेगेटिव साइन, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, वन बाय टू आयोटा, टू प्लस थ्री आयोटा, अंदर साइन चेंज, ये प्लस है माइनस, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा. प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, वन बाय टू आयोटा, थ्री आयोटा प्लस थ्री आयोटा, तो थ्री प्लस थ्री हो गया सिक्स. आयोटा से आयोटा कैंसिल, टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, तो आपका आंसर आ गया थ्री. अब आपको कहा गया था जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास z का इमेजनरी पार्ट आएगा. ठीक है, अब z आपके पास ये लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें आपका इमेजनरी पार्ट क्या, थ्री है, पॉजिटिव थ्री, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव थ्री आया. सो आपने लिखना है येस, वन बाय टू आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z. क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर सेवन करती हूँ स्टार्ट. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन. स्टूडेंट्स इसमें आपको कहा गया, आपको कुछ इक्वेशंस दिए ना, आपने उनको सॉल्व करना है रियल एक्स और वाई के लिए, यानी कि एक्स और वाई की आपने रियल वैल्यूज फाइंड करनी है. अब यहाँ पे आपने 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर किया था, उसमें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी. ये भी सेम वैसे ही होगा. सबसे पहले इसको एज इट इज लिखें, टू माइनस थ्री आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू फोर प्लस आयोटा. ओके, अब देखें टू को लें और एक्स प्लस वाई आयोटा की पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें. अब लेंगे हम लोग माइनस थ्री आयोटा को और अगेन एक्स प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू फोर प्लस आयोटा. अब देखिए ये आ गया 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा. अब ये आ गया 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 3y इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा. अब देखिए ये आ गया 2x प्लस टू वाई आयोटा माइनस थ्री एक्स आयोटा माइनस माइनस प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर प्लस आयोटा. अब लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स जिन टर्म्स के साथ आयोटा नहीं पहले मैं उनको लिखती हूँ, टू एक्स प्लस थ्री वाई, इनको ब्रैकेट में कर देंगे. अब इन दोनों के साथ आयोटा, इनमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे और इनको लिख देंगे, टू वाई माइनस थ्री एक्स और आयोटा बाहर इज इक्वल टू फोर प्लस आयोटा. अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना है, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे. ओके, सो कंपेयरिंग रियल पार्ट्स जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता, तो देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको कह दें इक्वेशन नंबर वन. अब हम करते हैं कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स. जिनके साथ आयोटा होता है वो वाली टर्म्स आपकी होती हैं इमेजिनरी पार्ट्स, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में इट सेल्फ आयोटा नहीं लिखते, तो ये आएगा 2y माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू, आयोटा के साथ 1 लिखा हुआ तो इज इक्वल टू 1 आएगा. अब अगर आप नोट करें इक्वेशन वन में पहले x वाली टर्म है ना, तो मैं इसमें भी पहले x वाली टर्म ही लिखूंगी, तो माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर टू. अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, क्रैमर रूल लगा लें या फिर इन्वर्जन मेथड. ठीक है, तो क्रैमर रूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इस तरह आपका क्रैमर रूल भी रिवाइज हो जाएगा 1.6 में जो आप लोगों ने किया है. सो अब यहाँ पे मैं पहले दोबारा दोनों इक्वेशंस लिख रही हूँ, 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ना हम दोनों इक्वेशंस को क्रैमर रूल से करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्रैमर रूल को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे ना तीन मैट्रिसेस चाहिए। एक हमें चाहिए ए मैट्रिक्स, ठीक है, एक हमें चाहिए ए एक्स मैट्रिक्स और एक हमें चाहिए ए वाई मैट्रिक्स। ये तीनों पहले हम लोग ये मैट्रिसेस लिखते हैं, फिर इन तीनों का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब जो ए मैट्रिक्स है वो सिंपली क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट्स। तो ये आ गया 2, 3, -3 एंड देन 2। ओके, अब नेक्स्ट दो मैट्रिसेस रह गए, ए ए एक्स और एक ए वाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने हैं एक्स के कोएफिशिएंट्स। जब ए एक्स लेना तो इसमें आपने क्या करना है, ये कांस्टेंट जो है ना राइट साइड पे ये लिख देने हैं। ए एक्स है तो यहाँ पे 4, 1, ए वाई है तो यहाँ पे 4, 1 आ जाएंगे कांस्टेंट। ओके, अब दूसरा ये वाई वाले कोएफिशिएंट एज इट इज़ 3, 2 और ये वाली पहली वाली रो भी इसकी एज इट इज़ ही रहेगी। ये दो आपके तीन मैट्रिसेस बन गए। अब आपने इन तीनों मैट्रिसेस का 1 by 1 लेना डिटर्मिनेंट। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए वर्टिकल लाइंस 2, 3, -3, 2। तो पहले इन डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लीजिए, आ गया 2, 2 = 4, दरमियान में नेगेटिव का साइन, -3 × 3 ये आ गया -9। तो माइनस माइनस प्लस, ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 13 के इक्वल। ओके, अब हम लेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, वर्टिकल लाइंस 4, 1, 3, 2, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 4, 2 = 8, दरमियान में नेगेटिव साइन, 1 × 3, 3, तो 8 - 3 आ गया 5। तो ये आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम लेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे 2, 4, -3 and 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, नेगेटिव साइन, 4, 3 = 12, -12, तो ये आ गया प्लस हो जाएगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 14। अब आपको बेसिकली फाइंड करना था एक्स और वाई को, तो आपके पास जो एक्स है वो होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए, और जो आपके पास वाई है वो इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अगर x लेना तो ऊपर x वाली वैल्यू, अगर y लेना तो ऊपर y वाली, लेकिन नीचे हमेशा a का डिटर्मिनेंट ही आएगा। तो देखें ax आपके पास कितना है 5 और a है 13, तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब ay देखें, ay आपके पास है 14 और a आपके पास है 13, तो ये आ गया 14/13। तो पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया, x है 5/13 और y है 14/13। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 - 2i into x + y i = 2 into x - 2y i + 2i - 1। अब देखिए इन दोनों टर्म्स का पहले प्रोडक्ट लेंगे, 3 लेंगे और x प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेंगे -2i और इसको x प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस साइन 2 × 4y + 2i - 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x + 3y - 2x - 2y² इज इक्वल टू 2x - 4y + 2i - 1। अब आयोटा स्केयर की जगह माइनस वन पुट कर देंगे, अब देखें राइट साइड पे जिनके साथ आयोटा नहीं उनको पहले लिख लेते हैं 2x - 1। अब जिनके साथ आयोटा उनमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, प्लस वाली मैं पहले लिख रही हूँ 2 - 4y, दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा मैंने ले लिया कॉमन। अब ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x वो +2y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट में है 3x + 2y = 2x - 1, कंपेयर किया, 2x को मैं लेफ्ट पे ले आई तो ये आ गया -2x, 3x - 2x = x, सो x + 2y = -1, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम करते हैं कंपेयर करते हैं इमेजिनरी पार्ट्स को। तो इमेजिनरी पार्ट है 3y - 2x इक्वल का साइन 2 - 4y।
अब वाई वाली टर्म को मिली जाती है लेफ्ट साइड पे, 3y माइनस 2x माइनस था प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 2। पहले x वाली टर्म लिखिए माइनस 2x, अब 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 2, इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स मैं रीराइट करने लगी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम लोग क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमें तीन मैट्रिसेस चाहिए, एक मैंने आपको कहा था A, ठीक है, एक हमें चाहिए AX और एक हमें चाहिए AY मैट्रिक्स। अब देखिए जो X के कॉफिशेंट्स हैं और Y के, ये आपका होगा A। सो यहाँ पे आ गया X के साथ कॉफिशेंट 1 है, ठीक है, 1 2 माइनस 2 एंड 7। अब यहाँ पे AX है तो इसकी जगह क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट आएंगे माइनस 1 2। ए वाई है तो यहाँ पे क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट्स आएंगे राइट साइड वाले। यहाँ पे ये वाली रो एज इट इज़ लिख दें 2 7 और यहाँ पे 1 माइनस 2 एज इट इज़ लिख दें, ओके। अब आपने क्या करना, तीनों मैट्रिसेस का 1 by 1 डिटर्मिनेंट लेना। पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 2 माइनस 2 7, इन दोनों का प्रोडक्ट लें 7 माइनस साइन, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, सो ये प्लस हो जाएगा 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। सो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 11। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, माइनस 1 2 2 7, इन दोनों का प्रोडक्ट लें माइनस 7 नेगेटिव साइन, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया माइनस 11। दिस इज ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट हमें चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट, ओके। सो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड देन 2, 2 1 ज़ार 2, नेगेटिव साइन, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, x, तो x होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सो स्टूडेंट्स ए एक्स हमारे पास क्या है, माइनस 11 और ए डिटर्मिनेंट क्या है 11, तो 11 से 11 कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया माइनस 1। अब नेक्स्ट हमें चाहिए y, तो y इक्वल टू होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई क्या है 0 और जो ए है वो हमारे पास है 11, तो 0 और समथिंग क्या होता है 0, सो वाई हेयर इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 2 में आपके पास x आ गया माइनस 1, y आ गया 0। अब इसका लास्ट पार्ट नंबर 3 रहता है, वो सबसे शॉर्ट है, वो अब हम करते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पे ए प्लस बी आयोटा का ए प्लस बी का होल स्केयर लगाएंगे, ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर। देखें ए आपके पास है 3 और बी आपके पास है 4 आयोटा, 3 3 4 आयोटा एंड यहाँ पे भी 4 आयोटा आएगा, माइनस 2 एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब ये 3 का स्केयर 9 प्लस 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 आयोटा, 4 स्केयर 16 एंड देन आयोटा स्केयर। माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो होती है माइनस 1 अब यहाँ पे देखिए 9 प्लस 24 आयोटा माइनस 16 माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जिन टर्म्स के साथ आयोटा नहीं पहले उन्हें लिखना है, 9 माइनस 16 दिस इज इक्वल टू माइनस 7 एंड माइनस 2x, उनको ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा, इनको ब्रैकेट में लिखें, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब इन दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा ले लेंगे कॉमन, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। सिंपल यहाँ पे कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे है माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, माइनस 2 को मैं ले जाती हूँ राइट साइड पे, माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x।
सो माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री एक्स, थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई और राइट साइड आके डिवाइड हो जाएगा, सो हेयर एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री. ओके, अब नेक्स्ट हम करते हैं कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स. इमेजिनरी पार्ट्स में स्टूडेंट्स आयोटा इटसेल्फ नहीं आता. सो 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y, ठीक है, इसमें जस्ट y है. अब देखिए y को मैं ले जाती हूँ यहाँ पे, 2y को राइट साइड ले जाती हूँ, 24 इज इक्वल टू y माइनस 2y. सो 24 इज इक्वल टू माइनस y, तो यहाँ से y क्या आ गया, माइनस 24 के. सो x है माइनस 7 बाई 3 एंड y इज माइनस 24. क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया. होप सो आप सबको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.